हेलो दोस्तों, तो आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं एक अलग तरह का वीडियो, जो कुछ अलग तरह का ब्लॉग वीडियो है हम लोग जा रहे हैं बनाने के लिए। तो आप लोग देखिए आए कि कैसा ब्लॉग होता है। हम है और मेरा दोस्त दीन आंटी है, देख सकते हैं। तो हम लोग अपने घर से प्रस्थान कर चुके हैं और जा रहे हैं अपने मंजिल की ओर। और बताऊँगा नहीं कि वो क्या चीज़ का ब्लॉग है अभी, और दिखाऊँगा कि क्या ब्लॉग है वो। आप लोग देख के शौक हो जाइएगा, वाह कैसे क्या ब्लॉग बना रहा है दोस्त। तो हम आप लोगों को चलिए दिखाते हैं। कि आप लोग देख रहे हैं, हम लेफ्ट घूमने वाले हैं यहाँ से, और हम लोग का मंजिल अब 100 मीटर बचा है। हाँ, लगभग 100 मीटर बचा है, हम लोग अब पहुँचने। देखिए भाई, यहाँ तो हम लोग जहाँ जा रहे हैं, रोड देखिए ना कितना वाहियात रोड है, क्या देखिए नज़ारा। ये छोटा सा दुकान है मार्केट में और मंदिर है हनुमान जी का, और कितना मतलब देख सकते हैं कि ये रोड जो है टूटा फूटा है। और यहाँ कुछ अभी तो उतना नहीं माहौल है, शाम के माहौल होता है गजब वाला। आप लोगों को दिखाते हैं, कुछ आवाज़ आप लोगों को जा रहा होगा थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड में। आप लोग तब तक गेस कीजिए और कमेंट कीजिए कि किस चीज़ का आवाज़ है। ओके ना, तब तक हम लोग आपको आगे दिखा ले चलते हैं। तो वेलकम गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि हम जिस घड़ी का आप लोग उतना दिन से इंतजार था वो घड़ी अब आ चुका है। आप लोग इस सीन देख के समझ चुके होंगे कि हम क्या चीज़ का ब्लॉग बनाने आए हैं। ओके, तो हम लोग पहले चलते हैं मंदिर की ओर, वहाँ से सीन लेते हैं। ओके, उसके बाद हम आप लोगों को सारा सीन दिखाते हैं। तो पहले चलते हैं हम लोग आगे की ओर बढ़ते हुए, और अपना साइकिल पहले पार्किंग करेंगे, उसके बाद आगे कुछ करेंगे। तो लेफ्ट साइड में चलो भाई, देखते हैं क्या होता है। आप हम लोग देख सकते हैं कि आ जा रहे हैं मंदिर की ओर। तो आप लोग जाके देख सकते हैं, हम लोग आ चुके हैं मंदिर के पास। तो ये है शनि जी का मंदिर, और यहाँ लगा है महायज्ञ, आप लोग देख सकते हैं। तो हम शनि जी का सीन लेके और जाएंगे नीचे की ओर, और पूरा सीन लेंगे। तो चल आप लोग देख लीजिए नीचे की ओर सीन लेते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं हवन कुंड की ओर, देखते हैं इधर क्या है। अरे आज क्या की तो आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग कुछ प्रोग्राम हो रहा है और यहाँ कुछ सिस्टम चल रहा है। तो हम लोग दिखाते हुए इधर सीन लेते हुए जा रहे हैं आगे की ओर, और चलते हैं फिर आप देखते हैं हवन कुंड की ओर कि हवन कुंड क्या है। तो देख सकते हैं ये जो है हवन मंडप है, आप लोग देख सकते हैं पूरा ये सीन है, पूरा हवन का सीन है, देख सकते हैं आप लोग। और ये हवन का पूरा सीन है, ये हवन कुंड है, आप लोग देख सकते हैं इसमें कि इसमें हवन किया जाता है। और हाँ, शनि महाराज का यज्ञ था, तो हम लोग आए हैं, देखिए वीडियो, यहाँ आरती चल रही है। तो चलिए हम लोग भी यहाँ सीन ले लेते हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर, और देखते हैं कि मेला का पूरा सीन लेते हैं, कैसा सीन आता है, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं पूरा सीन है पीछे से। और हम लोग चलते हैं अभी, जो यहाँ मूर्ति लगा हुआ है, जो लाइन से मूर्ति है, हम आप लोगों को सारा मूर्ति का सीन दिखाएंगे। हमें मेरा दोस्त है, हम लोग ऐसा कि आप लोग देख सकते हैं कि सबसे फर्स्ट में हनुमान जी का है, हनुमान जी का मूर्ति है। तो हम लोग उनका सीन लेते हुए आगे बढ़ते हैं कि और कौन चीज़ का सीन है। तो ये देख सकते हैं कि ये दुर्गा माता का मूर्ति है, दुर्गा माँ अपने रूप में है। तो देख सकते हैं यहाँ प्रसाद नीचे चढ़ाया जा रहा है,
यानी पूरा सीन यहाँ से वहाँ तक सीन है। तो हम सभी जितना भी भगवान है उन सब का एक्सप्लेन करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि कौन कौन भगवान है। हमको भी कुछ भगवानों का नाम पता नहीं है, बट देखते हैं कि याद आता है। ये जो है क्या बोलते हैं, विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता जी है, आप लोग देख सकते हैं। और नीचे प्रसाद चढ़ा जा चुका है, तो बढ़ते हुए आगे जो बढ़ते हैं। और ये काली माता है, यहाँ भी वही तरह से है। और नीचे शंकर जी है, देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि यहाँ जो है कृष्ण भगवान और राधा जी का फोटो बन चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं कृष्ण और राधा जी का फोटो है, यहाँ सीन है पूरा। इसके बाद दिखाते हैं, इसके बाद श्री गणपति बप्पा मोरिया जी है, गणेश जी जो शंकर भगवान जी के सुपुत्र जी है। और इससे आगे बताते हैं ये उल्लू लगता है इसका मतलब, यहाँ पे लक्ष्मी माता जी है ये। और यहाँ हंस के समान हंस वाली विद्या की दाता सरस्वती माता है। और इसके आगे मोर पे सवार श्री कार्तिक महाराज जी है, आप लोग देखिए। और यहाँ पे अंकल जी देखिए जो पैसा वैसा सब जमा कर रहे हैं, है ऐसा हम लोग देख सकते हैं। यहाँ कृष्ण भगवान जी माथम चुराते हुए खा चुके हैं। यहाँ देखिए माता जी जो है सो चंदन कर रही है। यहाँ शंकर जी और पार्वती माता है, दिखाते हैं ब्रह्मा जी का मूर्ति है, देखिए। और यहाँ पे जो आप लोग कृष्ण लीला में देखे होंगे पुतना जो है, कृष्ण भगवान ने पुतना को किस तरह मारा था, वही सीन बनाया गया है यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ सरवण, देखिए सरवण है, सरवण पुत्र जिसको अपने माँ बाप को दोनों को जो सीन में था ले आ रहा था, फिर घुमा रहा था, उसका सीन यहाँ पे दिया गया आप लोगों के। और उससे आगे बढ़ते हैं, सीन में चल आप लोगों को आगे बढ़ाते हैं, दिखाते हैं। अभी पूरा मेला सुनसान है यहाँ अभी, मतलब हम लोग कुछ सवेरे आ चुके हैं मेला में बनाने के लिए, वीडियो बनाने की वजह से। हाँ तो देखिए भाई लोग जी बोल रहे हैं कि ये दुकान का विलेजर है, इनका सिल लेते हैं। हाँ दिखा रहे हैं भैया, देखिए। तो हम लोग कुछ सवेरे आ चुके हैं वीडियो बनाने के लिए, ताकि हम लोग का वीडियो अच्छा से बन पाए, ओके ना, इसलिए हम लोग आए हैं वीडियो बनाने के लिए, ताकि भीड़ कम रहे, वीडियो सब अच्छा से हो। नहीं तो भीड़ में वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम लोग सवेरे आए हैं कि भीड़ भाड़ ना हो और मेला इस ताकि कम भीड़ में अच्छा से वीडियो बन पाए, इसलिए हम लोग कम भीड़ में आए हैं। तो इधर मतलब क्या बोलते हैं इसको, हाँ मीना बाज़ार बोलते हैं, मीना बाज़ार। तो ये मीना बाज़ार का सीन पूरा समाप्त हो रहा है, ये इतना ही था मीना बाज़ार का सीन। अब हम चलते हैं आप लोगों को दिखाते हैं झूला का। तो हम लोगों को दिखाएंगे आप लोगों को झूला का सीन, जो उसकी तरह सील है पूरा, झूला का सीन है। तो चलिए हम आप लोगों को सीन दिखाएंगे, झूला का सीन सब जो है।
तो चलिए दिखाते हैं आप लोग अब झूला का सीन किधर क्या क्या झूला में सी आया है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ट्रेन वाला झूला इधर है, अभी पूरा सुनसान है। तो चलिए हम देखते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं, अंधेरा हो रहा है, देख रहे हैं आप लोग अंधेरा होने वाला है कुछ देर में। तो हम लोग आए थे मेला तो हम लोगों को भी भूख लग चुका है, तो हम लोग आते हैं कि नाश्ता वास्ता करेंगे अब, तो तब तक अंधेरा हो जाएगा तो हम लोग अंधेरा में आप लोगों को सीन दिखाएंगे मेला का झूला का, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए हम लोग नाश्ता करने आते हैं। ओके,